अगर आप कोई ईयरफोन या हेडफोन लेने जाते हो दुकान में तो 100 से 150 के आसपास में आपको मिल ही जाता है। लेकिन 100 से 150 के उतना ही बजट में अगर हम कोई वायरलेस ईयरफोन लेना चाहे तो क्या वो सच में हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, तो अपने पास है आज की वीडियो में 150 रुपये का वायरलेस ईयरफोन जो कि इस डब्बे में इस बॉक्स में है, और इसका अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ कि सच में ये 150 रुपये का वायरलेस ईयरफोन ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, मतलब कि ये प्रॉपरली काम करेगा या नहीं काम करेगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है रंजन जायसवाल और आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो चलते फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं जो हमारा वायरलेस ईयरफोन 150 रुपये के आसपास का है वो सच में हमारे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि वो प्रॉपरली वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो चलते हैं फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 146 रुपये 146 का ये ओनली इसका 146 ही प्राइस है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं 150 बताया हूँ। तो चलते फटाफट इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो हमेशा की तरह हमारे पास ये अपना कैंची है, तो चलते इसको ओपन करते हैं। तो चलो इसको इधर से ओपन नहीं करते बल्कि इस साइड से ओपन करते हैं, दोनों में किसी साइड से हम ओपन कर सकते हैं। तो फटाफट इसको इस साइड से ओपन करते हैं। ओ भाई बॉक्स तो इसका गजब दिया है। चलो कोई बात नहीं, हाथ से ही देख लेते हैं। तो फाइनली मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई बॉक्स इसका बॉक्स वगैरह नहीं मिलता है, तो सिंपली अपने पास ये वायरलेस ईयरफोन मिल जाता है जो कि 150 रुपये का है। क्वालिटी का बात करें तो 150 रुपये में ये कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और अच्छा तो है। 150 रुपये में आपको वायरलेस ईयरफोन मिल रहा है और क्या चाहिए। और उसके बारे में सबसे पहले इसका जो वायर का क्वालिटी है यही देखने में कुछ दूसरे टाइप का लग रहा है। तो चलते हैं फटाफट इसका जो साउंड टेस्ट है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इसका एक साइड माइक का इंडिकेटर है, यहाँ पे प्लस माइनस का वॉल्यूम बटन है, उसके बाद में इसका कॉल रिसीव करने का यहाँ पे बटन है। तो अभी मैं इसे समझ नहीं आ रहा, इसको जो कॉल रिसीव करने वाला बटन है इसको मैं दबा रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों एक साथ जल रहा है, सॉरी ब्लू और रेड दोनों एक साथ इसका इंडिकेटर जल रहा है, तो ये इसका इंडिकेटर है। तो फटाफट इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे लगता है इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका चार्जिंग पॉइंट है जो आपके पुराने वाले फ़ोन में, आजकल के फ़ोन में ना टाइप सी आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली चार्ज करेंगे, वो भी देखेंगे चार्ज ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जानते हो 150 रुपये में खास बात हमें क्या लगा है, थोड़ा सा ही सही पर यहाँ पर मैग्नेट दिया गया है जिसको आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हो अपने नेक में लगाकर। तो इसके बॉक्स में जो और कुछ भी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसमें कुछ है ही नहीं, जो है इसका जो बॉक्स है इसको उल्टा करके डाल दिया गया है, जिसके मदद से जो शायद मेरे हिसाब से पहले वाला कंपनी का था वो, और यहाँ पे कुछ ऐसा QR कोड वगैरह दिया गया। तो मेरे हिसाब से इसके कुछ कागज़ वगैरह भी नहीं दिया गया है। और यहाँ पर बात करें इसका ब्रांडिंग का, तो यहाँ पे Realme जैसा दिया गया, इसका जो मैग्नेट वाला है इस एरिया में देखते हैं आपको R देखने को मिलेगा, यानी कि Realme जैसा आपको इसका डिज़ाइन देखने को मिला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सही है 150 रुपये में, और क्या चाहिए। तो चलते फटाफट इसका साउंड टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे पास दूसरा कोई फ़ोन नहीं है, सिर्फ यही एक फ़ोन है। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको जो कॉल का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो कॉल का बटन आपको देखने को मिल रहा है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑन हो जाएगा। तो इसको हम चलते फटाफट अपने फ़ोन में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो हमारे पास दूसरा कोई फ़ोन नहीं है तो इसी फ़ोन का मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दूँगा। तो यहाँ पर आपको मेरे फ़ोन का स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा, तो चलते फटाफट इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका जो साउंड टेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ इसको कनेक्ट करने के बाद। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना ब्लूटूथ ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लूटूथ म्यूजिक ये एक डिवाइस आया है, अवेलेबल डिवाइस अभी है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो पेयरिंग हो रहा है तो कुछ देर वेट कर लेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेयर विथ ब्लूटूथ म्यूजिक, तो हम यहाँ पे सिर्फ पेयर कर देंगे फिर दोबारा, तो शायद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन के साथ ये कनेक्ट हो गया। अभी इसका 90% बैटरी, वाह 150 रुपये में 90% बैटरी चार्ज करके दे दिया, और क्या होना चाहिए। तो इसको चलते हैं म्यूजिक इसके साथ कुछ कनेक्ट करके सुनते हैं कैसा म्यूजिक है।
तो आप इस 150 रुपये का वायरलेस एयरफोन का अनबॉक्सिंग देख लिए हैं और इसका जो ओपिनियन मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका सबसे पहले बैटरी बैकअप का बात करें तो जब मैं इसको परचेज किया तो लगभग 4 घंटे का यहाँ पर बैटरी बैकअप था जो चार्ज हो जाता है मेरे हिसाब से 30-40 मिनट के आसपास में और चलता है इसका बैटरी बैकअप जो है पूरे 4 घंटा। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, जब मैं इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट किया था तो इसका बैटरी था लगभग 90% के आसपास और 10 मिनट म्यूजिक सुनने के बाद इसका बैटरी हो गया है 80%, मतलब कि 10 मिनट में 10% इसका चला गया है। और मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि इसका जो कंपनी जो दिया था फुल चार्ज करके दिया था या अच्छे से चार्ज करके दिया था या नहीं दिया था वो कंपनी के ऊपर है। फिर भी फिलहाल 10 मिनट में 10% जाना कोई अच्छा बात नहीं है। और आप इस बॉक्स में यहाँ पे नीचे देख सकते हो मेरा ही नेम से है और 146 रुपये का 146 का ही ओनली ये है। और यहाँ पे इसके साउंड की बात करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेस देखने को नहीं मिलेगा, साउंड इसमें है पर उतना बेस नहीं है जितना होना चाहिए। आजकल जितने सारे एयरफोन्स वायरलेस एयरफोन्स आ रहे हैं उसमें अच्छे खासे बेस होते हैं लेकिन इसमें बेस नहीं है पर साउंड है। अगर आप 150 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई ख़राब नहीं है। और इसका जो बैटरी कम चला मेरे हिसाब से लगता है इसको चार्ज करके सही से नहीं दिया होगा। आजकल जितने सारे वायरलेस एयरफोन्स आ रहे हैं सबका टाइमिंग होता है 30 मिनट 40 मिनट, उतने देर में वो बैटरी चार्ज हो जाता है लेकिन मुझे लगता है ये पहले जैसा लोकल नहीं जाता था कि जितना देर आप चार्ज करोगे उतना ही देर चलेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही लगता है, इसको यूज करने के बाद पता चलेगा ये सच में कितना देर चलता है या नहीं चलता है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जब मैं इसको सही से कुछ यूज कर लूँगा, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस इसके साथ हो जाएगा तो आपको मैं भी बता दूंगा कि ये कितना देर चलता है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मैं इसको मीशो से लिया था, अगर आप भी इसको परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये दिखता है, मैं आपको एक बार और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इसके बटन्स दिए गए हैं और यहाँ पे इसका जो यूनिट है ड्राइवर यूनिट है ये यहाँ पे है। और इसके साउंड क्वालिटी के बारे में जो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ज़्यादा बेस नहीं है पर साउंड इसमें है। तो इस वीडियो में इतना ही और इसका 150 रुपये का वायरलेस एयरफोन का अनबॉक्सिंग आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।